मैं आपके माध्यम से सरकार को विनती करना चाहता हूं आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है मैं महाराष्ट्र से दिंडोरी क्षेत्र से आता हूं और ज्यादातर मेरे क्षेत्र में पैच का उत्पादन होता है पैच ओनियन पैच मराठी में कांदा बोलते हैं और गवर्नमेंट ने प्याज के जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाने से पहले सार्वजनिक डिस्कशन करने की जरूरत थी जीवनावश्यक यानी प्याज जो खाता नहीं वो तो कभी मरता नहीं इसका मतलब प्याज जीवनावश्यक चीज तो नहीं है फिर वो जीवनावश्यक नहीं है तो वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कैसे प्याज की एक तो आयु मर्यादा बहुत ही कम होती है वो जल्द खराब होने वाली चीज है वैसे प्याज की खेती करना ही बहुत ही आजकल किसानों को मुश्किल हो रहा है इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखना चाहिए मैं ये मानता हूं कि मार्केट में प्याज की कीमतें बहुत ही आसमान छू रहे फिर भी मेरी मिन्नत रहेगी कि प्याज एसेंशियल कमोडिटी से निकालना चाहिए आज हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर एक मिनट सर हमारे यहाँ इसका एक्सपेंडिचर पौधा तैयार करने की लागत और बोने और फसल कटाई तक और भंडारण और पाउडर का खर्चा करीबन एवरेज 70,000 रुपये और सब खर्चे मिलाकर उनको कभी कभी प्रॉफिट 5,000 या 10,000 इसलिए बहुत सारे किसान आज भी हमारे यहाँ आत्महत्या करते हैं मेरी और भी एक सरकार को विनती है कि जो निर्यात शुल्क $500 तक किया है उसको शून्य करने की जरूरत है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को विनती करूंगा कि हर किसान प्याज लगा सके जिससे मंडी में प्याज की किल्लत महसूस ना हो और किसान और ग्राहक को दोनों को संतुष्ट रह सके धन्यवाद